अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और आज आपके लिए मैं टोयोटा करोला एसी सैलून का रिव्यू लेके आया हूँ। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा टोयोटा करोला के बारे में डिटेल बताता चलूँ। टोयोटा करोला ने जो वेरियंट लॉन्च किए हैं वो XLi 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन, XGLi 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन, एसी सैलून 1.6, 1.8 एल्टिस और 1.6 GL ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन साथ टोयोटा करोला ने लॉन्च किए गए हैं। तो आइए चलते हैं अपने टोयोटा करोला एसी सैलून के रिव्यू की जानिब। इस गाड़ी के अगर मैं एक्सटीरियर की बात करें, इसकी फ्रंट की दोनों हेडलाइट क्रिस्टल हैलोजन लैंप्स में मिलेंगी। टर्न सिग्नल के ऑप्शन साथ उसमें आपको मिलती हैं। सेंटर में आपको टोयोटा का लोगो मिलता है। वर्टिकल शेप में आपको इसकी ग्रिल्स मिलती हैं। सेम बॉडी कलर में आपको बम्पर्स मिलते हैं। बम्पर्स के नीचे आपको फॉग लाइट इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिलता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसके फेंडर में आपको पार्किंग इंडिकेटर ऑप्शन मिलता है। बॉडी में आपको कंपनी की तरफ से साइड स्कर्ट्स मिलते हैं। प्लास्टिक में आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। सेम बॉडी कलर में आपको डोर पैनल्स पे आपको मोल्डिंग मिलती है और कंपनी की तरफ से अलार्म्स मिलते हैं। इसमें आफ्टर मार्केट अलार्म्स इंस्टॉल किए गए हैं। इसके मगर इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर फोन कलर में डिज़ाइन किया गया है और ऊपर ड्राइविंग साइड में एक लेदर ट्रिम पैनल भी इसमें इंस्टॉल किया गया है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसमें आपको ड्राइविंग साइड पे चारों विंडोज़ कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। विंडोज़ लॉक अनलॉक करने का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। इसमें आपको नीचे के स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए इसके कुछ फंक्शंस की बात करें तो इसमें आपको मैनुअली कंट्रोल एडजस्टेबल मिरर्स का बटन्स मिलता है जिसमें आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको फ्यूल इंडिकेशन गेज मिलती है। हेडलाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। राइट साइड पर आपको एसी एयरबैग्स मिलती हैं। इसमें आपको ड्राइविंग साइड राइट साइड पे आपको मैनुअली कंट्रोल हेडलाइट्स का ऑप्शन मिलता है। क्या अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको स्टेयरिंग व्हील में आपको SRS एयरबैग का ऑप्शन मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको डिजिटल कंट्रोल स्पीडोमीटर मिलता है। मीटर में आपको एंड्रॉयड सिस्टम मिलता है जो आफ्टर मार्केट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैनुअली कंट्रोल आपको AC नॉब्स मिलेंगे। स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको सेंटर में मिलेगा जिसमें आप इजीली अपना कोई भी सामान इजी ले सकते हैं। इसमें आपको सेंटर में हैंड ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है। सेंटर पैनल में आपको ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फिर एक खूबसूरत गियर नॉब के साथ दिया गया। इसमें आपको सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिलता है। आपको इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। मैनुअली कंट्रोल इसमें आपको जैसे बताया कि AC आपको नॉब्स मिलती हैं। सेंटर में आपको एयरबैग्स मिलती हैं। लेफ्ट साइड पर स्टेयरिंग में आपको वाइपर कंट्रोल का भी इसमें ऑप्शन मिलता है। इसकी अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5 पैसेंजर्स के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी अरेंज की गई है। दो पैसेंजर्स आगे, 3 पैसेंजर पीछे आराम से बैठ सकते हैं। इसकी स्पेस काफ़ी स्पेशियस है कि आगे ड्राइविंग साइड भी पीछे सीट पीछे करने के बाद भी पीछे वाला बंदा इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। इसमें 3 पर्सन आराम से पीछे बैठ सकते हैं। सेंटर कंसोल में आपको एक एस्ट्रे का ऑप्शन मौजूद है। इसकी सीट इंतहाई कंफर्टेबल हेडरेस्ट के ऑप्शन के साथ मौजूद है और इसमें पैसेंजर्स बैक साइड की सीट भी सेफ्टी फीचर के साथ मौजूद है। गाड़ी की बैक साइड की बात करें तो इसमें आपको बैक वाइपर, विंडशील वॉशर और डिफर का ऑप्शन नहीं मिलता। ट्रंक एरिया पे आपको ऐसे सैलून और टोयोटा करोला का लोगो मिलता है। इसके तमाम टेल लाइट, हैलोजन हेडलैम्प्स मौजूद हैं तमाम टर्न सिग्नल के ऑप्शन के साथ। इसके अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो इसका बूट स्पेस काफ़ी स्पेशियस है क्योंकि इस गाड़ी में CNG स्टॉल है। तो CNG स्टॉल होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी स्पेस मौजूद है। इसके में आप तमाम बड़े लगेज कैरी कर सकते हैं। लगेज कैरी करने के साथ इसमें स्पेयर व्हील और स्टेपनी के भी ऑप्शन मौजूद है। इस गाड़ी के अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 1600 cc इनलाइन इंजन, 4-valve पर सिलेंडर डॉग इंजन EFI टेक्नोलॉजी के साथ 6000 RPM पे 109 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 3800 RPM पे 150 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी की जो टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 42 लीटर्स की है। इस गाड़ी में आपको ABS सिस्टम मिलता है। इस गाड़ी का एयर कंडीशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इसका फ्यूल एवरेज किलोमीटर पर लीटर विद इन द सिटी और 14 किलोमीटर पर लीटर विद ऑन दी हाईवे इसका फ्यूल एवरेज है। 185/65 R14 इसका टायर साइज है। हाइड्रोलिकली पावर असिस्टेड पावर स्टीयरिंग इसमें मौजूद है। इस गाड़ी का जो टोटल वेट है वो 1300 kg है। इस गाड़ी की ड्राइव की बात की जाए तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कंफर्टेबल ड्राइव में कंसिडर की जाती है। टोयोटा की बेस्ट कार में ये कंसिडर की जाती है। इस गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंट पॉकेट फ्रेंडली नहीं है और मिडिल क्लास बंदा इस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता। इस गाड़ी के बॉडी पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इस गाड़ी के अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ये गाड़ियां मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं।
टोयोटा करोला ऐसी सलून 8.5 बिलियन से लेकर 12.5 बिलियन रुपीस तक मार्केट में तमाम मॉडल्स में अवेलेबल हैं। तो जी वर्स, ये था आज का हमारा टोयोटा करोला ऐसी सलून का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आज आपको टोयोटा करोला ऐसी सलून का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं या गाड़ी के बारे में कोई भी मालूम चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर 0334-303-1924 रब्ता करते हैं। ये गाड़ी फ़रोख के लिए मौजूद है कराची खुलिस्तान चौक ब्लॉक 1 में, गाड़ी खरीदो फरोख के लिए भी मौजूद है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।